सवाल यह है कि ये जो सर्किट दिया गया है इसमें थेवेनिन थ्योरम को यूज करते हुए ये जो लोड रेजिस्टेंस है 1.8 ओम का, इससे करंट का फ्लो कितना होगा इसे कैलकुलेट कीजिए। तो हम यहां पे यूज करेंगे थेवेनिन थ्योरम को और इसे हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहला स्टेप होगा वो ये कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसे यहां से हटा लिया जाएगा, और इसे हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को पता कर लेंगे, और यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है थेवेनिन वोल्टेज के बराबर या कहें ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर। तो जैसे ही हम इस लोड रेजिस्टेंस को यहां से हटा लेंगे तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये है स्टेप फर्स्ट, तो मैं यहां लिख दूं स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में देखें यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यहां पे इस सर्किट में इस डायरेक्शन में ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए आगे जो है सर्किट ओपन है, तो यहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा, यहां पे जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो जो सारा करंट फ्लो करेगा वो यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस सर्किट में, और यहां पे देखें ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा थेवेनिन वोल्टेज या कहें ओपन सर्किट वोल्टेज। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है ई डैक्स जो कि है थेवेनिन वोल्टेज या कहें ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखें करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और यहां पे इस डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इस ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा थेवेनिन वोल्टेज के बराबर या कहें ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर। तो इसे हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो जैसे ही वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे आप तो आप ये पाएंगे ये होगा ई डैक्स जो कि होगा थेवेनिन वोल्टेज या कहें ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू मेन वोल्टेज। मेन वोल्टेज कितना है, ये है 5 वोल्ट, तो 5 इंटू ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये, क्यों? क्योंकि इसी के अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 3 ओम, और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इन दोनों का सम, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे ये जो है कैंसिल हो जाएगा 5 से और यहाँ पे कट जाएगा ये होगा 2, तो कुल मिला जुला के जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 2 वोल्ट। तो ये जो ई डैक्स है जो कि ये थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 2 वोल्ट। अब हम यहाँ पे पता करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस 1.8 ओम का इसे हम यहां से तो हटाएंगे ही हटाएंगे, साथ ही साथ ये जो बैटरी है 5 वोल्ट का इसे भी यहां से हम हटा लेंगे, और हटाने के बाद इसे हम यहां से कुछ इस तरह से कर देंगे शॉर्ट। तो इस तरह से करने पर जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये जो टर्मिनल ए है और ये जो टर्मिनल बी है इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो चलिए यहां पे हम इसे नाम दे देते हैं, ये है आर डैक्स। तो ये है स्टेप सेकंड के लिए, मैं यहां लिख दूं स्टेप सेकंड। तो ये जो आर डैक्स है, ये जो आर डैक्स है जो कि है थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये कितना होगा, ये होगा देखें ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम का और ये जो 2 ओम का है ये दोनों पैरेलल में है, 3 ओम ये पैरेलल में होगा किसके, 2 ओम के साथ, प्लस ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो ये प्लस 1 ओम। तो यहां से आगे हमें मिलेगा 3 into 2 divided by 3 plus 2 plus 1 equal to 6 divided by 5 plus 1 equal to 11/5 ओम।
तो जो आर डैक्स है ये है 11/5 ओम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टेप थर्ड में ये पता करेंगे कि इस सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज होगा ये होगा थेवेनिन्स वोल्टेज, जो कि यहाँ पे होगा 2 वोल्ट, जैसा कि हमने यहाँ पे देखे पता किया था ये है 2 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आर डैक्स, ये है 11/5 ओम। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 11/5 ओम। और यह लोड रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें पता है ये है 1.8 ओम। तो मैं यहाँ पहले लिख दूँ कि यह स्टेप थर्ड के लिए, स्टेप थर्ड। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये जो लोड करंट IL है ये कितना होगा, दैट मीन्स इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है। तो वो होगा लोड करंट IL इक्वल टू ई डैक्स, जो कि होगा थेवेनिन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आर डैक्स प्लस लोड रेजिस्टेंस RL। अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में डिटेल्स में जानना है कि इसे हम इस जो है किस तरह से प्रूफ करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को, और बहुत सारी चीजें इनके बारे में डिटेल्स में जानना है, तो मैं एक वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहा हूँ उसका, तो आप वहां से उसे देख लें और आपका ये जो कंसेप्ट है ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से होगा ई डैक्स का वैल्यू कितना है, ये है 2/2 आर डैक्स है 11/5 प्लस लोड रेजिस्टेंस है 1.8। तो यहां से आगे हमें मिलेगा ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5/11 प्लस 9.0, और आगे हमें मिलेगा 10/11 और 9 ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 20 = 0.5 एम्पियर। तो इस लोड रेजिस्टेंस 1.8 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 0.5 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं इसमें, जैसा कि सवाल में पूछा गया था कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, तो वो होगा 0.5 एम्पियर।